क्या हुआ, ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? सही, क्या पता वो सो रही होंगी। आप तो नेगेटिव मत सोचिए बस। मुझे तो लगता है कि वो जानबूझकर फोन नहीं उठा रही है। वो हमसे बात ही नहीं करना चाहती। जाते वक्त कैसे नाटक कर रही थी। सम्राट दादा, अब एक बार मुझे फोन करोगे मैं आ जाऊंगी। और अभी ना तो उसने फोन करके ये बताया कि उसकी तबीयत खराब है, और ना ही अब सम्राट का फोन उठा रही है। नहीं भाई, नहीं, सही ऐसा नहीं कर सकती। वो कर सकती है, वो है ही इतनी बदतमीज। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सकता है सही हमसे बात नहीं करना चाहती है, लेकिन वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो बदतमीज है। वो इसलिए क्योंकि इस घर ने और इस घर के सब लोगों ने सही को कितनी तकलीफ दी। सही तो बोल रही है देवी, जिस घर ने उसको इतनी तकलीफ दी हो, उसके बाद अगर वो इस घर से दूर रहना चाहती है तो मेरी नजर में सही गलत नहीं है मीना। अब तो कानूनन उसने इस घर से रिश्ता तोड़ दिया है। अब उसको बात करनी है या नहीं है ये सब उसकी मर्जी पे है। निनाद मामा, अश्विनी मामी, आप प्लीज ऐसी बात मत करिए, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि सही इस दुनिया से मुंह मोड़ सकती है, लेकिन इस परिवार से, हमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। हाँ, ये बात जरूर है कि वो अपने गुनहगार विराट से दूर रहना चाहती है, लेकिन हमसे दूर नहीं रहना चाहती मामी। दादा, क्यों ना हम अश्विनी काकू के हाथ का बना खाना वहीनी के लिए लेके जाए, उन्हें बहुत स्पेशल फील होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। पता नहीं बेचारी हॉस्टल में क्या खाती होगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ पैक करके देती हूँ। हो सम्राट, फिर एक बार फोन लगा उसे, देखो शायद अब उठा ले। विराट, क्या करूं मैं, तो किसी को जानती भी नहीं हूं। विराट, विराट आंखें खोलो प्लीज। मामा, हम एक काम करते हैं, हम खुद जाके देखते हैं कि वो फोन क्यों नहीं उठा रही है। हो सकता है उसकी क्लासेस चल रही हो। पत्र लिखा, चलो। मियते, कहीं ये वहिनी का फोन तो नहीं? दादा, ऐसे भी तो हो सकता है कि वहिनी का फोन खराब हो गया हो, और इसीलिए वो हॉस्टल के फोन से घर के लैंडलाइन पे फोन कर रही हूँ। मैं देखती हूँ। देवयानी, थाम, पत्र लिखा, टूट सेल फोन। जी बड़ी माँ। किसका फोन है? सही का? हेलो, 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 मैं श्रुति बोल रही हूँ। श्रुति, विराट के फोन में ना ये नंबर होम के नाम से सेव था, तो बस मैंने फोन कर दिया। मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, आप प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए। किसका फोन है? पत्र लिखा, सही का है क्या? पत्र लिखा, बोलोगी किसका फोन है? श्रुति का। गंदी श्रुति का फोन है, काट दो उसका फोन। कोई उससे बात नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इतना सब कुछ करने के बाद उस औरत की हिम्मत कैसे हुई इस घर में फोन करने की? आप सब लोग उससे मिल चुके हैं और श्रुति से बात भी कर चुके हैं। मुझे दोबारा इस नंबर पे कॉल मत करना। यहां तुमसे किसी को कोई बात नहीं करनी है।
था एक सम्राट। क्या बात करनी तुम्हें? मुझे क्या बात करनी थी, मैं बस सुनना चाहती थी कि उसने फोन क्यों किया है। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं फोन खाने की। ये बात तुम आराम से भी कर सकते हो ना, हो सकता है किसी और का भी तो कॉल हो। कितनी बेशरम, निर्लज्ज, शेमलेस औरत है ना। अरे हम सब ने कितना कहा था उसको हॉस्पिटल में, कितनी बातें सुनाई थी। अभी तो सम्राट ने भी कह दिया फोन मत करना, फिर भी देखा, हिम्मत बहुत है उसमें, है ना वहिनी? सोनाली, ऐसी औरतों में बड़ी हिम्मत होती है, वरना किसी शादीशुदा आदमी का घर कौन बर्बाद करता है। अगदी बरोबर बोल रहा तुम्हें, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, विराट ने उस औरत में ऐसा क्या देख लिया कि उसका इतना दीवाना बन गया है। पत्र लिखा, फोन स्पीकर पर डाल। हेलो, हेलो, अब तुझे क्या चाहिए? इस घर का बेटा तो तू पहले ही छीन चुकी है। अब प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। श्रुति, आपका बेटा कैसा है? अच्छा ये तो बता दो, वो दिखता कैसा है? अरे रुको ना, अच्छा उसकी शक्ल आप पर गई है या विराट दादा पर? चलो इधर आओ, चलो, चलो, मुझे बात तो करने देती। ए लड़की, सीधे सीधे बता, क्यों फोन किया है? विराट की हालत बहुत खराब है, वो बेहोश हो गया है। क्या, कैसे, क्या हुआ विराट को? हमारे लिए वो मर चुका है। बात अभी तक समझी नहीं है तू? और ये सब झूठ बोलकर तू क्या करना चाहती? तुझे लगता है इससे तुझे इस घर पे एंट्री भी लगी? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन मानिए। विराट की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गया है। हुआ होगा वो बेहोश, लेकिन होश में हम आ गए। हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना ही हमें कोई फर्क पड़ता है। ये जो हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लड़की एक बात ठीक से सुन ले, अगर तूने दोबारा हमें फोन किया तो पुलिस में कंप्लेन करूंगा तेरे खिलाफ। श्रुति, वो सम्राट, ये क्या कर रहे हो सम्राट? कम से कम हमें पता तो चल जाता कि विराट सच में बीमार है या नहीं। नहीं, हमें कुछ नहीं जानना। लेकिन निनाद मामा, क्या पता अगर श्रुति सच बोल रही हो तो? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं जानना। अगर विराट बीमार है तो वो उसके कर्मों का फल है और कुछ नहीं। अश्विनी, तुम क्यों उस धोखेबाज के लिए रो रही हो? बस छोड़ दो, भूल जाओ उसे।